वेल हेलो एविएशन लवर्स गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल गाइस। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे नए यूट्यूब चैनल एविएशन लाइफ में। तो गाइस, आज की जो वैकेंसी है ये है एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की, और बहुत से लोगों को इंतजार था एयर इंडिया की वैकेंसीज का। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे वैकेंसी है कहाँ के लिए, अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से पोजिशन के लिए वैकेंसी है, क्या ये वॉक इन इंटरव्यू है, कैसे फॉर्म भरूँ, और हर एक एक चीज़ ये भी डिस्कस करेंगे। कौन कौन एलिजिबल है, क्या 10th पास एलिजिबल है, क्या 12th पास एलिजिबल है, क्या ग्रेजुएटेड एलिजिबल है, अगर ग्रेजुएट एलिजिबल है तो और क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो हमें चाहिए। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को दबा दें, राइट, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आता हूं लेटेस्ट अपडेट। तो हाँ, कुछ दिनों से वैकेंसीज की वीडियोस नहीं आ पा रही थी, बट नाउ द थिंग्स विल बी वेरी मच रेगुलर। ओके गाइस, तो डिस्कस करते हैं इस वैकेंसी के बारे में, हर एक चीज डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत करना, स्किप करोगे तो नुकसान मेरा नहीं, नुकसान आपका है। राइट, वीडियो बड़ी लंबी नहीं रहेगी, वीडियो दो पार्ट में रहेगी, तो दोनों पार्ट को देखना। पार्ट टू का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने, तो वो जरूर देखना। ओके, तो कैसे पता चलेगा वैकेंसी जेन्युइन है कि नहीं है? बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि क्या ये वैकेंसी जेन्युइन है, क्या है ये, है ये सारी की सारी चीजें, तो हम डिस्कस करेंगे वैकेंसी जेन्युइन है कि नहीं है। वैकेंसी जेन्युइन है जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना है, यहाँ पे गूगल में लिखना है मेरे को AIASL, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जैसे ही आप क्लिक मारेंगे तो उनका ऑफिशियल जो है वो पेज आ जाएगा। करियर्स में जाना है गाइस, करियर्स में रिक्रूटमेंट में जाना है, तो यहाँ पे इन इन जगह पे रिक्रूटमेंट आई हुई है, लखनऊ में आई हुई, कोलकाता में आई, मुंबई, गोवा, चेन्नई, राइट। तो यहाँ पे जो है एयरपोर्ट, एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की वैकेंसी अभी अवेलेबल है। मैं पूरी वैकेंसी को बनाऊंगा डिटेल से, लाइन लाइन से, लेकिन अब ध्यान से पहले तो कोलकाता के बारे में सुनना, उसके बाद लखनऊ आएगा, मुंबई ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक मारना है एडवर्टाइजमेंट ऑफ कोलकाता रिक्रूटमेंट। तो गाइस, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक मारेंगे तो आपको जो है ये मिल जाएगा, ये पीडीएफ आ जाएगा। ओके, पेन खोल लेते हैं गाइस, है ना। ओके, कैसे नहीं आ रहा है, है ना। ओके, पेन भी आ गया, ठीक है, पेन आ गया। ओके, नाउ डिस्कस करते हैं वैकेंसी के बारे में। ओके, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इन इन पोजिशन के लिए वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, इन इन पोजिशन के लिए वैकेंसी आई हुई है। टर्मिनल मैनेजर, ठीक है, एक वैकेंसी। डिप्टी टर्मिनल मैनेजर, सॉरी ड्यूटी मैनेजर टर्मिनल, जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्नीशियन, रैम सर्विस एजेंट, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर, तो ये ड्राइवर की वैकेंसी है। तो जिन लोगों को भाई एयरपोर्ट में ड्राइविंग वगैरह करनी है, हैवी लाइसेंस वगैरह है, तो ये आपकी वैकेंसी है आपके लिए। ओके, कस्टमर एजेंट, ये बड़ी तगड़ी वैकेंसी है देखा जाए तो, कस्टमर एजेंट और हैंडीमैन, हैंडी वुमेन। तो बहुत से वो जो लोग बोलते हैं कि यार क्या हैंडी मैन वुमेन दोनों हो सकते हैं, तो हाँ यार, हैंडी मैन वुमेन दोनों हो सकते हैं। जब मैं एयरलाइंस में काम करता था तो मैंने देखा था कि दोनों लोग काम करते हैं, और ये वैकेंसी बाकी एयरलाइंस की तरह नहीं है यार, है ना, कि 10-20 चिंदी वैकेंसी नहीं रिलीज कर रहे हैं लोग, ये रिलीज कर रहे हैं 206 वैकेंसी, 277 वैकेंसी, ठीक है। एक चीज ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि एयरलाइंस की तरह 20 वैकेंसी निकाल दी या 10 निकाल दिया, ये वो चीज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हो रही है गाइस बंपर हायरिंग एंड वैकेंसी इज 206, 206 मतलब बहुत ज्यादा हायरिंग हो रही है यार, है ना। लोग बोलते हैं जॉब नहीं है इंडिया में, लोग ऐसा नहीं है यार, है ना, जॉब है, ठीक है। 206 लोगों की हायरिंग हो रही है, कम नहीं होता ये चीज। नेक्स्ट थिंग, हैंडी मैन हैंडी वुमेन टू, तो इनकी 270 वैकेंसी है। मानता हूँ कि आप लोग इन सब चीजों में भले एलिजिबल नहीं हो पाओगे, क्योंकि एक्सपीरियंस चाहिए, और हमारे चैनल पर ज्यादातर लोग फ्रेशर और जो है कम एज वाले ज्यादा हैं, राइट, ये सारी की सारी चीजें। तो आपको समझ में आ गया किस चीज की टारगेट करना आपको। चलो अब डिस्कस करते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पहली बोल रहा हूँ, स्किप मत करना, नुकसान आपका होगा, कमेंट मारोगे रिवर्ट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो स्किप मत करना, वीडियो तरीके से बनाई गई कि आपको कोई डाउट ना आए। और एक चीज और, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है नीचे, कुछ और भी डाउट है तो आप कमेंट कर दो, मैं रिवर्ट करूंगा आपको, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या चीजें हैं पीडीएफ में, पूरा आपको डिटेल बता रहा हूँ, ठीक है। अभी हमें साफ साफ लिखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन 1/4/22, है ना, 1 अप्रैल 2022 तक के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, ठीक है। इस डेट तक आपकी एज वेज का यहाँ पे सीन है। ओके, टर्मिनल मैनेजर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, 55 अपर एज लिमिट, इतना अपर एज लिमिट दिया हुआ है, ठीक है। ग्रेजुएशन होना चाहिए इस पैटर्न से विद 20 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस, ठीक है, 20 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस। अगर आपके पास 20 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है तो ही आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, राइट, 20 साल। तो सोच समझ के याद देखना भाई फॉर्म भरना, क्योंकि आपकी हो सकता है आपकी एज ही 20 साल होगी, ठीक है। आउट ऑफ विच एटलीस्ट 8 ईयर्स मस्ट बी मैनेजरियल और सुपरवाइजरी कैपेसिटी इंपैक्ट, ठीक है, चीजें। ओके, बात करें दूसरी वैकेंसी के बारे में, ठीक है। ये वैकेंसी भी सेम है, 10+2+3 के से आपसे ग्रेजुएशन होती है विद
सिक्स ईयर मस्ट बी मैनेजरियल सुपरवाइजिंग पोजिशन, तो सिक्स ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे। ओके, सैलरी जो है छह ईयर के वर्किंग एक्सपीरियंस के हिसाब से बड़ी अच्छी सैलरी है, 60,000 के हिसाब से बहुत सही है, ठीक है। तो ये चीज ओके, सॉरी ना सॉरी, 18 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस है ना, 18 ईयर, 6 साल नहीं है भाई, ठीक है। सिक्स ईयर मैनेजर पोजिशन पे चाहिए तो 18 ईयर के वर्किंग, 18 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे। इसमें भी आप हो सकते हैं एलिजिबल ना हो। ओके ना, बात करते हैं नेक्स्ट, है ना। इसमें चाहिए 16 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस, इसमें भी हो सकता है कि आप एलिजिबल ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं बाकी वैकेंसीज के बारे में। जूनियर एग्जीक्यूटिव हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस रहना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। 25,000 की सैलरी है, ठीक है। 12 मंथ हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस विद इन मिनिमम ऑफ टाइम फ्रेम प्रिवेलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये सारी की सारी चीजें हैं। तो अगर आपके पास हैवी लाइसेंस है, ठीक है, हैवी लाइसेंस है, जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्नीशियन की वैकेंसी है ये, फुल टाइम बैचलर इन इंजीनियरिंग, तो ये इंजीनियर्स की वैकेंसी है, लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत कम रहता है। फुल टाइम बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है। ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल, ये सारी की सारी चीज़ें। मस्ट बी पोजिशन ऑफ LMV, लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू प्रोड्यूस मैक्सिमम विद इन 12 मंथ्स, तो वो सब बन जाएगा, डोंट वरी। लेकिन आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं अगर आपके पास ये चीज़ें हैं। तो तनख्वाह ऐसे 25,000 रुपये है, 300 रुपये। ओके, बहुत से लोग बोलते हैं कि यार क्या इसमें एज क्राइटेरिया क्या है, ओबीसी ओबीसी ये वो, तो यार देखो साफ साफ लिखा है जो नोटिफिकेशन में है, वही बता रहा हूँ। जनरल के 28 साल, ओबीसी के लिए 31 साल और एसटी एससी के लिए 33 साल, ठीक है। ओके, बात करते हैं आपकी फेवरेट वैकेंसी के बारे में, जब नीचे आते हैं सीधा स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, आपकी वैकेंसी के बारे में, जो कि है कस्टमर एजेंट। तो इस वैकेंसी का लोगों को बहुत से इंतजार है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी पोजीशन, 200 से अबव वैकेंसी हायरिंग हो रही है इसमें, ठीक है। बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है गाइस, तो ध्यान से सुनना आप लोग रिक्वायरमेंट, ठीक है। ग्रेजुएटेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अंडर 10+2+3 क्राइटेरिया। 10+2+3 क्या होता है, 10वीं 12वीं और 3 साल का ग्रेजुएशन पैटर्न, ठीक है, विद डिप्लोमा इन आईटा कार्गो। तो देखो जरूरी नहीं है अगर आप ग्रेजुएटेड हैं, ठीक है, एक चीज ध्यान देना, क्योंकि ऐसे ऐसे पैरामीटर में बहुत कम लोग फिट बैठ पाते हैं, ठीक है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं, नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इतने साल का, और यहाँ पे और दिया हुआ है, ठीक है, ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अंडर 10+ ये पैटर्न विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन एनी एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन, राइट। अगर यहाँ पे एक्सपीरियंस है आपका कहीं पे तो और अच्छी बात है, ठीक है, ये चीजें तो उनको गाइस सेलेक्ट कर लेंगे। ग्रेजुएशन विद 1 ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस, तनख्वाह कितनी है, 21,300, ठीक है, 21,300 रुपये तनख्वाह है, और जनरल के 28 साल, ओबीसी 31 साल, एसटीएससी 33 ईयर्स। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट, है ना, जो बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें हैंडीमैन बनना है, हैंडीमैन की भी बताता हूँ मैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो गाइस हैंडीमैन की रिक्वायरमेंट है वो है 10वीं पास, है ना, स्टैंडर्ड 10 पास है। अब कई लोग वीडियो को स्किप कर चुके हैं तो उनका खेल ऑलरेडी समाप्त हो चुका है, मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। और क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ये कि आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, ठीक है, और लोकल लैंग्वेज समझ में आना चाहिए, जैसे कि बंगाली अगर आता तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी लोग सेलेक्ट होते हैं यार, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीकिंग डिजायरेबल लैंग्वेज। तनख्वाह कितनी है, 17,520, ठीक है, वही वैकेंसी है जनरल के कैटेगरी के लिए, 28 साल, ओबीसी 31, एसटीएससी, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हैं। तो समझ में आ गया आपको कुछ, ये समझ में आ गई आपको, तनख्वाह समझ में आ गई, एज समझ में आ गया, ठीक है। अब आप देख लो आप कौन से पैरामीटर में फिट बैठते हो, किस जॉब पोजीशन में फिट बैठते हो। इसमें फ्रेशर है भाई, इसमें एक्सपीरियंस कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, फ्रेशर मांग रहे हैं इसमें, ठीक है, हैंडीमैन वुमेन। ओके, नौ बात करते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अगर इसमें आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है एक साल का तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई कर देना इसमें, ठीक है, कुछ नहीं होता, विद 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस, ठीक है, फ्रेशर कैन ऑल्सो, और भले लिखा हुआ है 1 ईयर, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि अप्लाई कर देना है, ठीक है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट चीज, है ना, ये हो गया। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो गाइस अप्लाई करना कैसे करने से पहले बता दूं कि ये हमारा इंस्टाग्राम का ऑफिशियल पेज है एविएशन लाइफ, एंड गाइस अब तक हमारे कोचिंग से टोटल हो चुके हैं 134 लोग सेलेक्ट, एंड हम लोगों के लिए रिज्यूमे बनाते हैं जो कि गारंटेड शॉर्टलिस्ट होता है। और गाइस हमारी जो कोचिंग है ये इंडिया की फर्स्ट ऑनलाइन कोचिंग बाय एक्स एयरलाइंस एम्प्लॉय, ठीक है। तो आपको अगर इंटरव्यू की तैयारी करनी है, घर बैठे बैठे इंटरव्यू निकालना है, तो हम आपको देंगे ऑफिशियल कोचिंग। और गाइस एक चीज बता दूं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कि एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं 15 अप्रैल के क्रैश कोर्स के लिए, ठीक है। तो अगर आप एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू निकालना चाहते हैं, कैबिन क्रू का इंटरव्यू निकालना चाहते हैं, या किसी भी एयरलाइंस में कोई सा इंटरव्यू निकालना चाहते हैं, अब तक मैंने क्रैक किए टोटल 6 ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू और एक कैबिन क्रू का इंटरव्यू, और मेरा खुद का एयरलाइंस में वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है, तो मुझे पूरा आइडिया है कि किस तरह के लोगों की वो तलाश कर रहे हैं और क्या वो देख रहे हैं और कैसे कैसे आंसर देना है। गाइज मुझे पता है लॉट्स ऑफ सीक्रेट ट्रिक्स जो कि आपको हेल्प करेगा एयरलाइंस के इंटरव्यू निकालने में, लॉट ऑफ सीक्रेट टिप्स, रेज्यूम बनाने की सीक्रेट ट्रिक्स, लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स जो मुझे पता है और जिसकी तैयारी मैं करवाता हूँ। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और एयरलाइंस के इंटरव्यू निकालना चाहते हैं, तो गाइस आप फटाफट से मैसेज भेजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि 7995084,
और हम आपको देंगे गाइस ऑनलाइन कोचिंग, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऑनलाइन कोचिंग दूंगा 15 दिन के लिए, और वो 15 दिन की कोचिंग ऐसी होगी कि आप आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे और आराम से इंटरव्यू निकाल देंगे। ओके नाउ बात करते हैं गाइस, है ना, ग्राउंड स्टाफ की इसकी सर्टन फीस भी रखी है हमने, कैबिन क्रू की फीस रखी 3,000 रुपीज और ग्राउंड स्टाफ की फीस 3,000 रुपीज, दोनों की फीस सेम है। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ही मैसेज भेजिए, अदरवाइज प्लीज गाइस डोंट वेस्ट माई टाइम। ठीक है, 135 लोग सेलेक्ट हो चुके हैं अब तक हमारी कोचिंग से, ठीक है, इन एयरलाइंस इंडस्ट्री। ओके हो सकता है आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, आपको यहाँ पे विश्वास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप देखिए कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव क्रैक डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइंस इंटरव्यू। वितिका शी हैज क्रैक कतर एयरवेज कैबिन को इंटरव्यू, अंजलि ने क्रैक किया रायपुर बेस का इंटरव्यू। ठीक है, अब आप बोल रहे हो यार तो एयर इंडिया की वैकेंसी है ना, तो नीचे आके अगेन स्क्रॉल कीजिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव क्रैक अगेन एयर इंडिया का इंटरव्यू। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अमृत पाल ने क्रैक किया एयर इंडिया सेट्स में, इल्मा एयर इंडिया सेट्स, धनित एयर इंडिया सेट्स, शिखा एयर इंडिया, मृणाल एयर इंडिया सेट्स। ठीक है, तो अलग अलग बेसिस के जो है लोग अलग अलग जगह पे इंटरव्यू निकाले हैं। ठीक है, तो वो वहाँ यहाँ पे आके उन्होंने अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो आप देख सकते हैं राजू मंडल इंडिगो एयरलाइंस कैबिन क्रू इंटरव्यू, गार्गी है ना, गार्गी कैबिन क्रू इंटरव्यू, तो ये सारे के सारे लोग हैं। ठीक है, बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, आप आई बटन में क्लिक मारेंगे तो आपको दिख जाएगा, क्योंकि बताना पाना बड़ा बड़ा मुश्किल है। स्क्रॉल करते जाइए करते जाइए आपको वीडियोस दिखेंगे, है ना, मनीषा क्रैक एयर इंडिया सेट्स इंटरव्यू, मेरा भाई को मैंने कोचिंग दी, उसको सिखाया और उसने क्रैक किया इंडिगो एयरलाइंस का इंटरव्यू, यहाँ पे आके देख सकते हैं। तो गाइस ये सारी की सारी चीजें हैं, तो अगर आप नयन कोलकाता बेस्ड इंटरव्यू निकाला इसने, ठीक है, बहुत सारे वीडियोस हैं, है ना, तो बता पाना मुश्किल है कि मैं टोटल इतने सारे स्टूडेंट्स निकाला। टोटल हमारे पास रिकॉर्ड जितने हैं वो है टोटल 125 स्टूडेंट्स का, और गाइस सारे के सारे स्टूडेंट जो है एयरलाइंस में काम कर रहे हैं एज अ ग्राउंड स्टाफ, एज अ हैंडीमैन। हैंडीमैन तो चलो न्यू वैकेंसी आई है हैंडीमैन की, लेकिन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन एयरलाइंस एज अ ग्राउंड स्टाफ व्हिच इज मच मोर देन हैंडीमैन, बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, कस्टमर सर्विस एजेंट के बराबर की जॉब है वो ग्राउंड स्टाफ कैबिन क्रू, तो बहुत से लोगों ने इंटरव्यू निकाला है। तो गाइस अगर आप घर बैठे बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो क्या करना है, आपको फटाफट से मैसेज भेजना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि 7999508444, यहाँ पे आपको मैसेज भेजना है और हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी। राइट, स्पोकन इंग्लिश पढ़ाते हैं हम लोग, तो स्पोकन इंग्लिश भी अगर आपको इंप्रूव करें तो भी उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और लाइव बैठ के जितने लाइव बैठ के पढ़ाता हूँ मैं तो आपको बड़ा ही मजा आएगा पढ़ने में, और इतनी सारी सीक्रेट स्ट्रैटेजी बताऊंगा, सीक्रेट ट्रिक्स बताऊंगा कि आप एक बार में कैसे हो जाएंगे सिलेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आके देख सकते हैं हमारे स्टूडेंट कहाँ कहाँ प्लेस हुए हैं। हमारे स्टूडेंट गाइस इन इन जगहों पे प्लेस हो चुके हैं, ठीक है, इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, कतार, विस्तारा, यहाँ यहाँ पे सारे स्टूडेंट हमारे प्लेस हो चुके हैं। प्लेस हो चुके हैं मतलब वो यहाँ पे करेंटली नौकरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी अकेडमी कहीं पर भी जाके आपको जो है 1.5 से 2 लाख रुपए पे करने की जरूरत नहीं है, है ना, 1 लाख से 1.5 लाख रुपए पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, घर वालों का माँ बाप का पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, प्लीज डोंट वेस्ट देयर मनी, इट्स वेरी हार्ड एंड मनी। ठीक है, और गाइस अब एक चीज और हो गई कि एयरलाइंस के इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपको बाहर नहीं जाना है, एयरलाइंस के इंटरव्यू के लिए तैयारी के लिए आपको घर में ही रहना है, और घर बैठे बैठे हम आपको कॉन्टेक्ट करेंगे और आप कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया कहीं पे रहकर भी तैयारी कर सकते हैं एयरलाइंस के इंटरव्यू की। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि पैसा बर्बाद नहीं करना है, टाइम बर्बाद नहीं करना है, घर बैठे तैयारी करनी है। अब कोचिंग आ चुकी है आपके घर में, आपको घर से बाहर नहीं जाना है, कोचिंग आ चुकी है आपके घर में। गाइस हम लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल क्रैश कोर्स, आज तक कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जो इससे चीपर हो, हाँ चीपर रहता है लेकिन क्वालिटी नहीं रहती है। तो हमारा जो कोर्स है बहुत चीप है प्लस बहुत अच्छी क्वालिटी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास है बहुत तगड़े रिजल्ट्स, लाइफ इंटरव्यू एक्सपीरियंस है गाइस। ओके एक चीज और, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है एंड यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इस टेलीग्राम चैनल में गाइस मैं बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करता हूँ, न्यू वैकेंसीज के बारे में शेयर करता हूँ, हर एक चीज शेयर करता हूँ, तो कुछ हो ना हो तो आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है। यहाँ पे ज्वाइन करने से पहले आपको टेलीग्राम इंस्टॉल करना है, वरना ये काम नहीं करेगा, ज्वाइन नहीं कर पाओगे आप लोग। तो पहले टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करो, उसके बाद यहाँ पे क्लिक मारो तो आप ज्वाइन कर पाओगे। समझ में आ रहा है भाई आप लोग को? ओके ये चीजें हैं, इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखने हैं, आई बटन में पूरा आ रहा है, समझ में आ गया? तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि ओके समझ में आ गया। तो गाइस अगर आप इंटरेस्टेड है तो फटाफट से क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए, बहुत सारी वैकेंसीज आई है, लगातार वीडियोस आएगी, अब चार पांच दिन का एक हफ्ते पूरी लगातार वीडियो आएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फटाफट से क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए गाइस। ठीक है, यहाँ पे आके आप रील में देख सकते हैं कैसे स्टूडेंट अपने शॉर्ट टर्म में, रील में भी आके देख सकते हैं कैसे कैसे लोगों ने इंटरव्यू एक्सपीरियंस निकाला। ठीक है, फ्लाई बिग में अपने लड़के सेलेक्ट हुए, ठीक है, सॉरी अपने स्टूडेंट अंजलि सेलेक्ट हुई, अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, अनुराग सेलेक्ट हुआ, अरे हर जगह सिलेक्शन ही सिलेक्शन है जब से एविएशन लाइफ आया है, तो ना फिर क्या बताऊं मैं। ठीक है, ये चीजें हैं, तो समझ में आ रहा है गाइस। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फटाफट से मैसेज भेजिए, टाइम वेस्ट मत करना अगर आपको ज्वाइन नहीं करना होगा तो, लेकिन अगर आप सीरियस हैं तो ही मैसेज भेजिए, क्योंकि इट्स वेरी मच डिफिकल्ट टू रिवर्ट, आप सबको रिवर्ट कर पाना। तो अगर आप इंटरव्यू निकालना चाहते हैं सच में और एयरलाइंस में काम करना चाहते हैं तो फटाफट से मैसेज भेजिए यहाँ पे, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंटरव्यू निकालना है, आपको मैं साथ बैठाऊंगा
और आपको मैं लाइव पढ़ाऊंगा कि इंटरव्यू कैसे निकालना है, हर एक चीजें बताऊंगा जो इंटरव्यू निकालने के लिए जरूरी है। और अगर आप मेरे गाइडेंस को फॉलो करोगे तो आप गारंटेड जो है इंटरव्यू निकाल लोगे, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें। ओके, नाउ डिस्कस करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है। ओके, तो फॉर्म भरने के लिए गाइस एक और वीडियो आएगी, ठीक है। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, ठीक है। तो उसमें बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है इसका। ओके, हल्के में मत लेना, इसका फॉर्म भरने का तरीका थोड़ा अलग है एज कम्पेयर टू अदर वीडियोस। तो इसका फॉर्म भरने का थोड़ा तरीका अलग है, ठीक है। तो दूसरी वीडियो आएगी जस्ट 3 घंटे के गैप के बाद आएगी, और डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी दे चुका हूं मैं। तो उसके बाद दूसरी वीडियो आएगी हाउ टू अप्लाई। तो तरीका अलग है, प्लीज देखना, समझ में आएगा। और कुछ डाउट होगा तो गाइस कमेंट करना। तो गाइस ये थी वैकेंसी की वीडियो, आई गेस आपको क्लियरिटी आ गई होगी। इतनी सारी वैकेंसीज है, अगर इतनी सारी वैकेंसीज के बाद भी आपका नहीं हुआ तो फिर तो जय हिंद है, ठीक है। जय हिंद। और कोचिंग वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं फटाफट से अप्लाई करो कोलकाता बेस के लिए। और भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है अपकमिंग डेज में, अपकमिंग बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो गाइस फटाफट से क्रैश कोर्स भी ज्वाइन करना है आपको, क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है मार्केट में। और अगर आपको कॉम्पिटिशन बीट करना है तो मुझे कोई नॉर्मल बात है ना, डू लर्न द थिंग्स, डू गेट द नॉलेज, डू क्रैक द लाइंस इंटरव्यू एंड डू एंजॉय द एविएशन लाइफ, जैसा कि बाकी लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर सीरियस हो तो ही मैसेज भेजना, अगर बात गाइस आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टाइम पास करने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ओनली सीरियस एस्पिरेंट्स। एंड अगली जो वीडियो आने वाली है वो उसके ऊपर है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो दो वीडियो है लगातार कॉन्जिक्यूटिवली, बहुत दिनों के बाद इंडिया में वैकेंसी आई है, ठीक है। ये जॉब जो है इस जॉब को जो मैं एयरलाइंस की जॉब से ज़्यादा बेहतर मानता हूँ, ठीक है। वो बेहतर क्यों मानता हूँ ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपको समझ में आएगा। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो। तो पहले गाइस बाय बाय, नमस्कार एंड जय हिंद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कि अप्लाई कैसे करना है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगले तीन जिसने स्किप कर दिया तो डायरेक्ट कुछ छक्के लोग डिस्क्रिप्शन में आएंगे ना, वो कमेंट मारेंगे कि यार भाई वीडियो आई नहीं। जाहिर सी बात है वीडियो 3 घंटे के बाद आएगी, तो वेट करना, पूरा वीडियो को लाइन से देखना। और बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसमें मैंने मिस कर दी है, वो वीडियो पार्ट टू में रहेगी। तो पार्ट टू जरूर देखना, पार्ट टू देखना पार्ट वन के बिना अधूरा है, पार्ट वन देखना पार्ट टू के बिना अधूरा है। तो ये सारी की सारी चीजें, तो गाइस ये सारी की सारी चीजें हैं। और फटाफट से आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। तब तक गाइस बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय हिंद। 12 मजे करो और दूसरा वीडियो भी देखो। बाय बाय।